We have to find out what EAN, effective atomic number, for this particular coordination compound. So effective atomic number ka formula hai Z minus X plus Y. Z kya hai? Roshan, Z kya hai? Atomic number. So Fe ka atomic number kitna hai? Fe ka atomic number is 26. What is the atomic number of Fe? 26. So yaha pe main kya likhunga? 26. माइनस एक्स, माइनस एक्स मतलब एफ ई कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो यहाँ पे इसको क्या ले लेंगे, एफ ई को एक्स ले लेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या है, मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैज इट लॉस्ट. सो एक्स माइनस वन, माइनस वन क्योंकि साइनाइड का चार्ज माइनस वन है, इंटू सिक्स. नाउ एक्स माइनस वन इंटू सिक्स इक्वल टू माइनस फोर. सर यहाँ पे माइनस फोर चार्ज है, आपको कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ द काउंटर आयन, काउंटर आयन प्ले के ऊपर प्लस वन इंटू फोर प्लस फोर चार्ज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस फोर चार्ज होगा. दैट्स हाउ आई केम टू नो दैट दिस इज माइनस फोर. अब एक्स के लिए सॉल्व करो तो आंसर आपका क्या आएगा? प्लस टू, क्योंकि ये एक्स माइनस सिक्स, माइनस सिक्स उस साइड पर जाएगा, प्लस सिक्स माइनस फोर इज प्लस टू. सो प्लस टू चार्ज आ रहा है किसका? एक्स का, यानी कि एफ ई का. सो प्लस टू प्लस वाई, वाई इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग गेन्ड. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग गेन्ड, लास्ट टाइम भी आपको मैंने पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया था, जिसमें बताया था कि साइनाइड इज गिविंग अ पेयर, एवरी साइनाइड इज गिविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर सिक्स साइनाइड्स, सो दे विल गिव अ टोटल ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन्स. राइट, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ही वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स एफ ई को मिल रहे, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 12. अब 26 माइनस 2 करो कितना हो रहा है? 24. और 24 प्लस 12 करो कितना हो रहा है? 36. नाउ 36 इज द ईएएन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, व्हिच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ अ नोबल गैस. Which is exactly equal to the atomic number of a noble gas. Noble gas ka atomic number kitna? Kaun se noble gas ka atomic number 36 hai? Krypton ka atomic number 36 hai. आपको मैंने पूरा ग्रुप 18 यानी कि नोबल गैसेस याद कैसे रखने हैं और उनके एटॉमिक नंबर्स भी कैसे याद रखने हैं, वो दोनों भी चीजें सिखा के हो गई, याद है ना? यस जमान, ठीक है. अभी तो भी तू जागरा की नहीं, जैसे जिस तरीके से तेरे पेपर गए, राइट? अभी भी नींद में से उठ रहा है या नहीं, कि गहरी नींद में ही सोता रहेगा? हरभजन ने आर्नल्ड को 0 रन दिए. हरभजन ने आर्नल्ड को 0 रन दिए. हरभजन विल स्टैंड फॉर हीलियम, ने नियॉन, आर्नल्ड आर्गन, को क्रिप्टॉन, 0 ज़ेनॉन, रन्स रेनॉन. ओके, और याद कैसे रखना है? एक सीक्वेंस मैंने आपको दिया था, 8 8 18 18 32, ये सीक्वेंस सिर्फ याद रखो, दो बार 8, दो बार 18, एक बार 32, इसमें ऐड करते जाओ. हीलियम का तो एटॉमिक नंबर पता होगा ही आपको, 2, इसमें 8 ऐड करो, कितना हो गया? 8 ऐड करेंगे क्या आएगा? 10. और 8 ऐड करो, क्या आ रहा है? 18, विच इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन. और 18 ऐड करो, 36. और 18 ऐड करो, 54. लास्ट में 32 ऐड करो, 86. दिस इज हाउ टू रिमेंबर द नोबल गैसेस अलोंग विद द एटॉमिक नंबर्स. राइट, निमोनिक क्या है? हरभजन ने आर्नल्ड को 0 रन दिए. 0 इज ज़ेरॉक्स का 0. ओके, हरभजन ने आर्नल्ड को 0 रन दिए. कम ऑन, लेट्स मूव टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. हम लोग ईएन के कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं. Come on, quickly calculate the effective atomic number of Dalma. Effective atomic number of CONH36Cl3. कैसे calculate करेंगे? Cobalt का atomic number कितना है? 27. 27 और कैसे करना है? Z minus X plus Y. So Z minus X plus Y करने के लिए Z माइनस एक्स प्लस वाई, ये अगर आपको करना है तो कोबाल्ट का नंबर कितना है? 27. उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है? वो 3. प्लस Y कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है? 12. फिर से आंसर क्या आएगा? 27 माइनस 3 24. 24 प्लस 12 36. सो फिर से क्या आ रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का भी? 36, विच इज इक्वलेंट टू द एटॉमिक नंबर ऑफ अ नोबल गैस, दैट इज क्रिप्टॉन. ठीक है, देखो यहाँ पे प्लस 3, 27, 6, आंसर क्या आ रहा है? 36. K4 एफिशिएंट 6 का हम भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया, उसका भी कितना आ रहा था? 36, विच इज इक्वलेंट टू द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन. चलो टेट्रा कार्बोनिल निकेल का करो, टेट्रा कार्बोनिल निकेल खुद से करो. हरी अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है. निकेल का एटॉमिक नंबर 28 है,
निकेल का एटॉमिक नंबर 28, इट इज लूजिंग जीरो इलेक्ट्रॉन्स. सो एक्स की वैल्यू जीरो है, जेड की वैल्यू 28 है. 28 माइनस जीरो, कम ऑन, प्लस. यू आर नॉट देयर, वेरी गुड. तो अभी सिखाया ना, हाँ, एक्स कैसे फाइंड करते हैं. यहां पे देखो K4 efficient 6, X find out करना है, इसकी value X है, तो X, इसका charge देखो, इसका charge कितना है, minus 1, इसकी इसमें, cyanide का charge किसका है, कितना है, minus 1, कितने cyanide है, 6, X minus 1 into 6, इसको square bracket के ऊपर charge क्या है, minus 4, sir वो कैसे पता चला आपको, ये potassium plus 1 charge है, 4 potassium है, plus 1 into 4 plus 4 है, तो counter ion है ना, counter ion मतलब opposite charge square bracket पे होगा, minus 4, अगर ऐसा है, hello, AlCl3 है, तो आपको एल्युमिनियम का चार्ज बताने की जरूरत पड़ती है, इतने डम तो नहीं हो ना, माइनस वन, माइनस वन इंटू थ्री कितना हो गया, माइनस थ्री, तो ऑब्वियसली एल्युमिनियम पे चार्ज क्या रहेगा, प्लस थ्री, वैसा ही है, राइट. तो स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज पता चल गया, वो इक्वल टू इसमें लिख दिया, इक्वेशन सॉल्व करो एक्स के लिए, आपको एक्स की वैल्यू आएगी, सो जेड माइनस एक्स प्लस वाई. तो ये तो इतना सिंपल है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें देखना, हेलो, यस जोएल बाद में कर, Z माइनस, हाँ वही कर रहा, मालूम है ना मेरे को, Z माइनस X प्लस Y, तो Z इज 28, माइनस X इज व्हाट, जीरो, क्योंकि जीरो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, ये न्यूट्रल लिगैंड है, ठीक है, और Ni X की वैल्यू इधर क्या आने वाली है, जीरो, प्लस Y, तो टेट्रा कार्बोनिल, चार कार्बोनिल 8 इलेक्ट्रॉन्स देंगे उसको, प्लस Y, तो 28 प्लस 8, 36 वंस अगेन, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, न्यूट्रल लिगैंड है, इसके लिए अगर इसकी वैल्यू x के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो x माइनस 0 इंटू 4 इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, काउंटर आयन नहीं है, काउंटर आयन नहीं, तो इसका चार्ज क्या है, 0, इसके लिए इक्वल टू 0, इसके लिए इसका चार्ज क्या आ रहा है, 0, x इज इक्वल टू 0, इसके लिए x की वैल्यू क्या लिया मैंने, 0 लिया यहाँ पे, कहाँ पे, 28 माइनस 0, और y की वैल्यू 8 क्यों ली, क्योंकि चार कार्बोनिल ग्रुप्स है, चार कार्बोनिल ग्रुप्स, ईच कार्बोनिल ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया ना, ऐसा क्या देख रहे हो जो पहली बार देख रहे हो जैसे, राइट, कार्बोनिल 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 एंड कार्बोनिल, दिस इज नॉट कोबाल्ट, माइंड यू कोबाल्ट में सी कैपिटल ओ स्मॉल रहता है बेटा, सी कैपिटल ओ स्मॉल दैट इज कोबाल्ट, और दोनों कैपिटल रहेंगे तो दैट इज कार्बोनिल, ओके, मतलब जनरली दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दैट इज कॉल्ड एज कार्बोनिल, ओके, सो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, आंसर 36 आ रहा है क्या समझ में, डम पीपल, ईएएन रिवाइज हो रहा है क्या, ओके, चलो क्या रहा आंसर, 36 का, अभी इसका करो, चलो फास्ट, प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर क्या है, देखो जरा, व्हाट द एटॉमिक नंबर ऑफ प्लैटिनम, ठीक है, अब प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर मालूम नहीं है, क्या करेंगे, गूगल, बेशरम के गूगल एग्जाम में आने वाला है, देखो, ठीक है, देखो कैसे करना है, देखो ये डी ब्लॉक में आता है, कौन, प्लैटिनम, तो वो जो सीरीज में आता है, जैसे मैंने एक सिखाया था ना आपको, साइंस तेरी वावा करे मानव, इसके ऊपर वीडियो भी बना के भेजा है, पर तुम लोग देखते कहाँ पे हो, वीडियो सिर्फ अपने जो क्लास में नहीं वो लोग देखते, जो जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए जो अपने क्लास के वो लोग देख ही नहीं रहे, फॉर एग्जाम्पल ओम हाय देयर, खुलता तो भी क्या हो, बेशरम, हाँ, साइंस तेरी वावा करे मानव, फिर कौन निकालेगा कॉपर से जिंक, जैसे ये था वैसे ही और एक है, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है और बुरान को पसंद आएगा बहुत ज्यादा, तो बुरान खास आपके लिए डेडिकेटेड टू यू, ला हफ्ता, हफ्ता मतलब क्या, एक्सटॉर्शन मनी, हफ्ता, ओके, बोलते हैं ना ला हफ्ता, ये मुंबई की लैंग्वेज है ना, मुंबईया लैंग्वेज, मुंबईया हिंदी, उधर बहुत चलता है हफ्ता, एक्सटॉर्शन मनी, हाँ, इधर भी हो सकता है, पुणे में भी हो सकता है, ला हफ्ता, ओके, दिस इज व्हाट, एक्सटॉर्शन मनी हफ्ता, दिस इज लैंथनम हाफनियम टैंटलम, बताता हूं, ला हफ्ता वरना, अभी वार्निंग दे रहा है, वरना रे ओसामा ईरान
पे अटैक होगा। सुंदरा बुरान नहीं, उसको ईरान बोल रहा हूं, ठीक है। ला हफ्ता वरना रे ओसामा ईरान पे अटैक होगा। ओके, ला लैंथनम, हफ हाफनियम, ता टैंटलम, वरना टंगस्टन, रे रेनियम, ओसामा ऑस्मियम, ईरान इरिडियम, पे प्लैटिनम, अटैक ऑरानम दैट्स गोल्ड, होगा हाइड्रोगाइरम दैट इज मर्क्यूरी। ओके, सो अब हमको क्या करना है, जैसे इसमें तो कोई बहुत आसान था ना, एटॉमिक नंबर्स क्या थे, 21, 22, 23 सीरीज में तो है, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, लेकिन यहाँ पे जरा सीरीज आउट ऑफ सीरीज है, जरा 71 है यहाँ पे, बट 71 के आगे वो कंटिन्यू नहीं होता है। ओके, क्योंकि 71 ला और हफ के बीच में गैप है, मतलब लैंथनम और हाफनियम के बीच में गैप है, वो गैप में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बैठे, कितने एलिमेंट्स है एफ ब्लॉक, 14, राइट, 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। तो 71 प्लस 14 करो, नहीं एक सेकेंड, इसको फर्स्ट पकड़ो, 1, फिर ये 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, फिर 80 के बाद में और 4 ना, 81, 82, 83, 84, तो ये हो गया 85, ओके, समझ में आ रहा है क्या कुछ, हेलो, नहीं समझ में आया, या 85, 86, 87, फिर सीरीज में 88, 89, 90, 91 इज प्लैटिनम, हाँ, 78 कैसे होगा, ओके, तो इस तरीके से यू कैन वर्क आउट ऑन द एटॉमिक नंबर्स एज वेल एज द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल थोड़ा निमोनिक्स लर्न कर लो, ठीक है, निमोनिक्स की मदद से याद रख लो, आसान हो जाएगा आपके लिए। नहीं, इधर भी 78 दिखा रहा है एटॉमिक नंबर, अपना गलत हो गया मतलब, एक सेकेंड, पीरियोडिक टेबल दिखा, आर यू श्योर, एक सेकेंड, हाँ एफ ब्लॉक नहीं है उधर, क्यों नहीं है ये, नहीं, ये बायोलॉजी का पार्ट है, दिस इज लाइक आई वाज शोइंग अबाउट अबॉर्गिनियल, राइट, अबॉर्गिनियल मतलब ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस है ना, वो ऐसे दिखते, नहीं ये बुरा नहीं है, ठीक है, ये मतलब काला है इधर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो लिसन, ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस ये जो है ना, ऑस्ट्रेलियंस आपको गोरे दिखते हैं, बट एक्चुअली वो गोरे नहीं है, क्योंकि वो ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस अबॉर्गिनियल जैसे है, वो जो गोरे लोग हैं ना, वो ब्रिटिशर्स के प्रिजनर्स थे, मतलब जैसे इंडिया में काला पानी होता है ना, काला पानी क्या है, एक जेल है, कहाँ पे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे एक जेल बनाया है, एक आइलैंड पे, क्योंकि एस्केप नहीं कर सकता ना एनिमी, क्यों, क्योंकि प्रिजनर्स एस्केप नहीं कर सकते, और वीर सावरकर उधर से भी एस्केप कर गए थे, बट खैर वो अलग स्टोरी, वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना हमको। वहां पे चारों तरफ क्या है, समुंदर, तो एस्केप करना मुश्किल होता है, इसके लिए प्रिजनर्स को जनरली आइलैंड पे रखा जाता है, उनकी जेल आइलैंड पे बनाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड, इट्स अ कॉन्टिनेंट प्लस एन आइलैंड, तो ब्रिटिशर्स का रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड था एक टाइम पे, तो उन्होंने सारे प्रिजनर उठा के कहां पे डाल दिए, ऑस्ट्रेलिया में, और वो गोरे थे, ठीक है, और इसकी वजह से आज का जो उनके डिसेंडेंट्स प्रिजनर्स के, इसके लिए वो थोड़े क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग हो सकते हैं ऑस्ट्रेलियंस, ठीक है, क्यों, क्योंकि दे आर देयर क्या बोलते हैं, ancestors are criminals, criminals of the British rule, okay? तो तुम सोच रहे होगे कि हम लोग क्या सर्च कर रहे थे, हाँ, किसके बाद में, बेरियम, अरे रुक जरा एक सेकेंड, देखने देना मेरी भी गलती कहाँ पे हुई थी, समझ में तो आने दे, ओहो, अरे लैंथनम को मैंने 71 कंसिडर कर दिया, वो गलती हो गई मेरी, ठीक है, लैंथनम 71 नहीं है, लैंथनम 57 है, तो 57 प्लस 14 इज 71, और 72 से ये शुरू कर दिया, सो सॉरी अबाउट दैट, ये 57 कंसिडर करना था, बट मैं गलती से 71 पकड़ लिया, किसको, लैंथनम को, और फिर 14 ऐड किया, और वो डिसकंटिन्यूस है, इधर भी देखो 57 के बाद में डायरेक्ट क्या है 72, तो बीच में 14 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स कहां पर है, यहां पर है,
समझ में आ रहा है? एक्चुअली गलती क्या होगी, लैंथनम को 57 की जगह पे 71 क्यों कंसिडर किया, वो लैंथनम और ल्यूथेनियम में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ल्यूथेनियम 71 है तो मेरे को एक सेकंड के लिए लगा कि लैंथनम 71 है और उसके लिए कैलकुलेशंस गलत हो गए, बट एनीवे प्लैटिनम का हमको एटॉमिक नंबर मिल गया, क्या है 78 ओके तो उसको करेक्ट करते हैं। हाँ क्या 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 एटॉमिक नंबर जनरली दिया रहता है बट इसमें एंट्रेंस एग्जाम में नहीं दिया है तो हमको याद होना चाहिए, ठीक है। और मास नंबर्स देने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटॉमिक नंबर्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती जनरली, ठीक है। तो ये 57, ये 71, 72, 73, 74, 75, 76, 70, अरे 77 आ रहा अभी नहीं, इधर 72 है मतलब, हाँ 72, 73, 74, 75, 76, 77 और प्लैटिनम इज 78, ओके। सो करो अभी प्लैटिनम के साथ कैलकुलेट करो, K2PtCl6 दिखाओ क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखाओ। करो x की वैल्यू 4 आ रही है इस केस में, तुम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, आएगा कैलकुलेट करने x की वैल्यू 4 करके दिखाओगे कैलकुलेट या तो ये 4 कैसे आया देखो डॉलमा, ये x लिया हम लोग ने, किसको pt को x लिया, -1 × 6 इक्वल टू, ये प्लस टू है इसके लिए इधर माइनस टू आएगा, इक्वल टू माइनस टू, एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस टू, सिक्स को उधर भेजो प्लस सिक्स माइनस टू, प्लस सिक्स माइनस टू क्या आएगा प्लस फोर, एक्स की वैल्यू फोर। तो कैसे करेंगे, जेड माइनस एक्स 78 माइनस एक्स, एक्स कितना है फोर, तो माइनस प्लस फोर और कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए 12 राइट, एवरी क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन, सो क्या बन जाता है फाइनल आंसर, 78 माइनस 4 इज 74, 74 प्लस 12 इज 86 एंड 86 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ विच नोबल गैस, हाँ रेडॉन है, नहीं रेडॉन है, रेडॉन ही है क्या, ओके चलो अभी जिंक के लिए जिंक के लिए क्या आएगा, जिंक के लिए यू विल बी गेटिंग प्लस टू, NH3 न्यूट्रल लिगैंड है इसके लिए प्लस टू आएगा, 30 इसका एटॉमिक नंबर है, सो 30 माइनस 2 प्लस 8 36, दैट्स वंस अगेन व्हाट 36 क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स।